अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं एक न्यू रेसिपी के साथ आपके सामने हाज़िर हुई हूँ। आज मैं लाई हूँ कोफ्तों की रेसिपी, कोफ्ते आलू की रेसिपी लेकर आई हूँ, और जो बनेंगे मेरे स्टाइल में, जो बहुत मज़ेदार बनेंगे। आप भी घर में बनाइएगा और मुझे लाजमी बताइएगा कि कैसे बने हैं और आपके घर में जो है वो। अभी मैंने, जैसे कि मेरा चैनल ही देसी खानों का है, तो मैंने आपको देसी स्टाइल में बताए हैं ये, और आप भी लाजमी मेरे स्टाइल में बनाइएगा। चले चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने खशखश ले ली है, इसको अच्छा, खशखश को अच्छी तरह छन्नी में ना पहले छान लीजिएगा और साफ़ कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें मिट्टी होती है। और इसको मैं चॉपर में नहीं पीसूँगी, क्योंकि चॉपर में सही से नहीं पीसा जाता, दर दर सा होता है। तो आप सिल पे पीसें, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इससे। ज़्यादातर मैं चटनियाँ और ये सब चीज़ें जो हैं वो सिल पे ही पीसती हूँ, क्योंकि मुझे चॉपर की चटनी और चॉपर में नहीं पसंद है। अच्छा, मैं जो हूँ कीमा जो है वो चॉपर में पीसूँगी, क्योंकि जो है सिल जो है मेरी छोटी सी है, सिर्फ ये इन चीज़ों के लिए है। तो आप देखें, माशाल्लाह से मैं इसको पीसूँगी और ये बिल्कुल बारीक पीस लेगा। अच्छा, मैं इसमें चने जो हैं वो मैंने भिगो के रखे हुए हैं, वो भी मैं इसमें ही शामिल कर लूँगी, चने और खशखश जो है वो। मैं ये आपको बता रही हूँ आधा किलो कीमे की रेसिपी, सही, आधा किलो कीमा है मेरा। देखिए, मैंने खशखश जो है वो इसमें, चने भी जो है ना इसमें शामिल कर दिए थे, और चने भी मैंने इसमें पीस लिए हैं। अगर आप चाहें तो आप इसमें बेसन भी पीस सकते हैं, और बेसन जो है वो आप भून लीजिएगा पहले बेसन को ना। तो चने भुने हुए होते हैं ना, मैंने चने भुने हुए चने लिए हैं। अच्छा, मैंने आपको छन्नी से छानने का बताया था कि आप नहीं कि छन्नी में ही आप खशखश छानने लग जाओ और वो जो है वो सारी खशखश ही निकल जाए। चाय की जो छन्नी होती है ना, उसमें आप इसको छान लीजिएगा, क्योंकि इसमें होती है मिट्टी, खशखश के अंदर बहुत मिट्टी होती है। तो दो तीन दफ़ा पहले आप इसको भिगो लीजिएगा किसी कटोरे में, वो मिट्टी नीचे हो जाएगी, फिर आप उसको मिट्टी को फेंक दीजिएगा और ऊपर ऊपर से आप लेके खशखश को अच्छी तरीके से जो है ना वो पीस लीजिएगा। अच्छा, ये मेरी जो है खशखश और चने चने जो हैं ये दोनों पिस गए हैं बहुत अच्छी तरीके से। अब मैं इनको जो ना आपको बताऊँगी, ये मैंने आधा किलो कीमा लिया हुआ है, इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और ये जो है मैंने बारीक कटी हुई प्याज है ये मैंने इसमें शामिल कर दी है। और मैं इसमें सारे स्पाइसेस बताती रहूँगी आपको। इसमें मैंने लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच इस्तेमाल करा है, और हल्दी, पिसा हुआ गरम मसाला, ये घर का पिसा हुआ गरम मसाला है, आप भी जो है वो घर में पीस लीजिएगा पिसा हुआ गरम मसाला। अच्छा, ये वही खशखश और चने हैं, ये भी जो ना मैं इसमें शामिल कर दूँगी। अब मैं इसको जो है मिक्स कर दूँगी और नमक भी शामिल कर दूँगी मैं इसमें, फिर मैं इनको जो है ना चॉपर में पीस लूँगी। अब ये हम चॉपर में इसको अच्छी तरह पीस लेंगे, और अगर आपको इसको लॉन्ग रखना है तो आप इसमें प्याज नहीं शामिल करिएगा फिर, सही। अगर आपको ये रखना है जैसे कि आपको सेव करना है, इसके साथ सेव करना है, क्योंकि छोटे तो चॉपर में अच्छी तरह सब बहुत अच्छे हो जाएंगे। फिर अब मैं इसके जो है वो छोटे छोटे से बॉल्स बना लूँगी, कम से कम आपके आधा किलो कीमे के भी जो है ना आपके कम से कम 12 से 13, मेरे तो खैर माशाल्लाह से देखें कितने बड़े बड़े बना रही हूँ, मेरे जो है वो 14-15 बन गए थे। तो आप भी ऐसे ही बनाइएगा, 14-15 आराम से बन जाएंगे। और कुछ से, अगर आपकी बड़ी फैमिली है तो आप सारे बना लीजिएगा, अगर छोटी फैमिली है तो आप कुछ रख दीजिएगा और कुछ जो है ना वो देखें ये कुछ रख लीजिएगा, माशाल्लाह से झटपट सब तैयार होगा। ये मैंने आपको कुछ दिखा रही हूँ, कुछ मैंने अलग से सेव कर लूँगी, ये मैं जो है सब सेव करके ये मैं फिर बाद में बना लूँगी कभी, सिर्फ मसाला भूनूँगी और ये डाल दूँगी। अच्छा, मैंने प्याज जो है वो, जैसे कि मैं कच्ची प्याज नहीं डालती हूँ, थोड़ी सी कच्ची पक्की करके ब्लेंड कर लेती हूँ, और उससे मुझे कच्ची प्याज का जो है ना टेस्ट अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं ऐसे ही करती हूँ। मैं हर रेसिपी में आपको बताती हूँ कि मैं कच्ची प्याज नहीं इस्तेमाल करती हूँ, थोड़ा सा उसको जो है वो गोल्डन कर लेती हूँ। अभी देखें, मैंने प्याज को ब्लेंड कर लिया था, और इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी है, और ये मैंने जो है गर्म मसाला है साबुत, और पिसी हुई लाल मिर्च है, हल्दी है, धनिया पाउडर है, नमक है, और इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं डलेगा, और जायफल जावित्री। तो ये सब चीज़ें आप इसमें शामिल कर दें, और अब हमने इसको भूनना है। भून के अब मैं इसमें दही भी शामिल कर लूँगी, और ये देखिए मैंने इसमें दही शामिल कर ली, और अब हम इसको भूनेंगे बहुत अच्छी तरीके से, मसाले को जो है वो एक जान कर देंगे, क्योंकि भूनने का काम बहुत होता है इसमें,
और मसाले का कलर जब चेंज हो जाता है, देखिए मसाले का कलर बिल्कुल चेंज हो गया, रोगन ऊपर आ गया है। तो अब हम इस स्टेज पे इसमें आलू शामिल कर लेंगे। पहले हम आलू शामिल करेंगे क्योंकि हम आलूओं को भूनते हैं, तो और जो कोफ्ते जो हैं वो हम भूनते नहीं हैं, इसलिए जो ना कोफ्तों को थोड़ा बाद में शामिल करेंगे। अब हम जो है इसको आलूओं को भून लेंगे पहले मसाले के अंदर, फिर अब हम इसके अंदर कोफ्ते भी शामिल कर देंगे। और कोफ्तों को जब हम शामिल करेंगे तो हम ज़्यादा इसमें चम्मच नहीं चलाएँगे, हल्का हल्का सा हम इसको जो ना पहले कढ़ाई को हिला लेंगे, फिर बाद में जो है हम इसमें चम्मच चला लेंगे, क्योंकि कोफ्ते जब सख्त हो जाएंगे तो फिर हम चम्मच चलाएंगे। अब मैं इसमें जो है वो कोफ्ते ऐसे देखें, ऐसे ही नहीं एकदम आप इसमें कोफ्ते डाल दें जान छुड़ाने के लिए, तो फिर तो वो कोफ्ते टूटेंगे ना। तो आप इसमें जो है वो इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप जो है वो देखते रहें, कैसे बता रही हूँ मैं, इसी तरीके से आप कोफ्ते सारे रख लीजिएगा और इसको जो है आप कढ़ाई से जो ना उसको हिलाइएगा, चम्मच नहीं चलाइएगा, चम्मच बहुत एंड में चलेगा इसमें वरना आपके कोफ्ते जो हैं वो सब टूट जाएंगे। देखें मैं भी ऐसे ही कर रही हूँ ना, अब इसको करके फिर मैं थोड़ी देर छोड़ दूँगी, जब ये सख्त हो जाएंगे फिर चम्मच चलाऊँगी मैं इसमें, पहले मैं इसमें चम्मच नहीं चलाऊँगी। माशाल्लाह से बहुत मज़े के बनेंगे। देखिए अब ये सख्त हो गए थे तो थोड़ी देर बाद मैंने अब इसमें चम्मच चलाया है और ये बहुत अच्छे और बहुत ज़बरदस्त बनेंगे। अब ऐसे इस स्टाइल में लाजमी बनाइए, ये हमारी अम्मियों के स्टाइल के हैं। अब जो आ गया है कोफ्ते मसाले बाज़ार से लेके, वो सब आपको पता है उसका टेस्ट कैसा होता है और ये अम्मियों के हाथ के टेस्ट जो है वो कैसे होते थे हमारे, तो आप अपने उसमें बना लीजिएगा। बाज़ार के कोफ्तों का भी बताऊँगी मसाले का कैसे बनता है, बाज़ार से भी बना बनाया मसाला मिलता है लेकिन वो एक अलग स्टाइल है। तो उसको हम ज़्यादातर चिकन में बनाते हैं। तो अब मैं इसमें जो इसमें हरी मिर्चें और धनिया शामिल कर दिए गार्निशिंग के लिए। अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को लाजमी दबा लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।